अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मसाला फिश प्रॉन्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही झटपट बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है कढ़ाई और अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो ऑयल हमें यहाँ पर 4 से 5 बड़े चम्मच लेना है। और अब हम ऑयल को बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। तो देखें यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो हमने 400 ग्राम्स प्रॉन्स लिए हैं, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 1/2 kg लिया है प्याज, क्योंकि प्रॉन्स में हमें प्याज थोड़ा ज़्यादा ही रखना होता है। और अब हम प्याज को बिल्कुल अच्छा सा लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो लगातार चलाते हुए हमें इसे फ्राई करना है और प्याज को फ्राई करने में लगभग हमें 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। तो इसे हमें छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते हुए अच्छा सा लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, प्याज का कलर भी अच्छा सा आ चुका है। तो बस अब हम इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे वरना ये जल सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्रॉन्स को। तो ये 400 ग्राम्स है और इसे हमने अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लिया है। तो सारे को हम अच्छे तरीके से डाल देंगे और अब हमें इसे भूनना है प्याज के साथ तरीके से, ताकि प्राउन्स का भी बिल्कुल अच्छा सा कलर आ जाए प्याज के साथ भूनते हुए। तो हमें इसे पानी ड्राई होने तक भूनना है, 2 से 3 मिनट हमें लगेंगे इसे भूनने में। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से भून लिया है प्राउन्स को। देखिए पूरा पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है और फिश का कलर भी अच्छा सा आ चुका है। तो अब हम इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसी के साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसाला में से हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 ग्लास पानी, ताकि मसाले जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से प्राउन्स में मिल सके। तो अब हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और मसाले के साथ हमें फिश को भूनना है, इसलिए हमने इसमें पानी भी ऐड किया है। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा पानी अभी हम इसमें और ऐड करेंगे, ताकि प्राउन्स जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो सके। तो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं इसमें, अब हम इसे ढक देंगे और लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए प्राउन्स का सारा पानी लगभग ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसे 1 मिनट तक के लिए अच्छी तरीके से भूनेंगे, ताकि मसाले से बिल्कुल अच्छी खुशबू आने लगे और इससे ऑयल भी सेपरेट हो जाए।
तो ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो देखिए, एक से दो मिनट तक हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से भून लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है इसमें से। तो हमारा मसाला फिश प्रॉन्स लगभग रेडी है। तो अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी ऐड करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो एक बार और हम इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से चला लेंगे एक मिनट के लिए, ताकि हमने जो पानी डाला है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो देखिए, हमारा फिश प्रॉन्स बिल्कुल रेडी है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए, तैयार हो चुका है झटपट और घर के ही मसालों से बना हुआ मसाला फिश प्रॉन्स। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है और घर के ही मसालों से झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी इस चटाकेदार मसालेदार फिश प्रॉन्स की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। इससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।